हेलो जी राधे राधे तो आज हम अपना जो डे ट्रिप प्लान करने वाले हैं वो हम साउथ हॉल के लिए प्लान करने वाले तो ऐसा कभी कभी होता है कि मतलब हम अभी बाहर रह रहे हैं और यू के लंदन में और हम अपनी कंट्री को मिस कर रहे हैं हमें बहुत फील हो रहा है कि हमें अपने कंट्री के जैसा चाहिए तो साउथ हॉल को जनरली लोग मिनी पंजाब भी बोलते हैं तो मिनी पंजाब बोलते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ शॉपिंग करना है और हमें एशियन वाला वो स्टोर चाहिए और हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही कि हमें कभी घर में शादी है या कुछ भी है तो हम ऐसे साउथ हॉल के लिए डे ट्रिप प्लान कर सकते हैं तो अगर आप कार से जा रहे हैं तो डायरेक्ट आप साउथ हॉल लगा सकते हैं लेकिन आप मेरे जैसे अगर सोलो ट्रैवलर है तो आपको साउथ रेलवे स्टेशन प्रेफर करेंगे तो वो आप वहां जा सकते हैं तो वहां पे जैसे आप एंट्री करेंगे ना तो आपको वैसे ही वाली फीलिंग आने लगेगी क्योंकि हर जगह वहां पे पंजाबी में साउथ हॉल लिखा है तो आपको वैसे ही पंजाब वाली वो फीलिंग आने लगेगी एशियंस बहुत सारे दिखेंगे तो जैसे ही आप रेलवे स्टेशन में इंटर करेंगे जिस बाहर निकलेंगे वहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा मिलेगा तो ये गुरुद्वारा जो है गुरु सिंह साहब सभा का है वहाँ पे बहुत बड़ा एक पार्किंग हॉल भी है तो आप वहाँ चाहे तो अपने अगर कार से जा रहे तो वहाँ पर आप पार्किंग कर सकते हैं तो ये साउथ हॉल का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वहाँ पर हमेशा ही बहुत ज़्यादा क्राउड रहती है और भीड़ रहती है तो ये आप देख सकते हैं ये गुरुद्वारा के अंदर का व्यू है तो यहाँ पे मैं गई और यहाँ पे सत्संग भी होते रहता है तो आप यहाँ बैठ के सुन सकते हैं फिर यहाँ पे एक लंगर सेवा होती है तो आप वहां पे चाहे तो लंगर सेवा ले सकते हैं वहाँ पे आप लंगर सेवा भी दे सकते हैं और देने के बाद वहाँ पे आप खा के और कुछ आप चाहे तो अपने तरफ से भी सेवा कर सकते हैं तो ये एक बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है यहाँ पे कि अपने घर के जैसा लगता है फिर नेक्स्ट वहाँ पे अगर हम वहाँ से निकलेंगे गुरुद्वारा से तो हमें शॉपिंग स्ट्रीट मिलेगी बहुत सारी ये आपको सेम वैसे ही मिलेगी जैसे आपको पंजाब में मिलती है दिल्ली में मिलती है रोड पर वैसे ही आपको शॉप्स मिलेंगे आपको ज्वेलरी लेना हो आपको कपड़े लेने हो आपको कुछ भी लेना हो यहाँ पर आपको हर चीज़ अवेलेबल मिल जाती है और यहाँ की खास बात ये है कि जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो आप अपने जैसे अपने एरिया में हम जैसे यहाँ पे बारगेनिंग करते थे और ज्वेलरीज के लिए या ड्रेसेस के लिए या पर्स के लिए जो भी जैसे हम बारगेनिंग करते थे सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारा विश्व हिंदू मंदिर तो यहाँ पर हम जब जाएंगे तो यहाँ दूर से ये व्यू रहता है इसका और इसके अंदर आपको बहुत सारे मूर्ति मिल जाएंगे भगवान के जैसे विष्णु जी के कृष्णा जी के तो ये भी बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर आप अंदर बैठ के सत्संग सुन सकते हैं और वहाँ पर आप सकते अपना सेवा दे सकते हैं जो भी आप चाहे नेक्स्ट हम जब इतनी हम घूम लेंगे तो हमें पेट पूजा तो बनती है हमारी तो वहाँ पे बहुत सारे चेन्स ऑफ रेस्टोर है पंजाब के जैसे आपको टेस्ट मिलेगा वहाँ पे तो मैंने प्रेफर किया था मैं मोती महल गई थी जो बहुत पुरानी है वो 1972 से है तो वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था और सबसे इनक्रेडिबल चीज़ यही थी कि आपको हर एक स्टोर पे आपको पंजाब के स्टेट्स के नाम जैसे मिल जाएंगे सिटीज़ के नाम मिल जाएंगे और कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ चीज़ें जैसे हमारी एशियन चीज़ें होती हैं जो हम अपने नॉर्मल जैसे हम अपने ब्रिटिश वाले एरिया में खोजते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलती जैसे चाहे छन्नी हो गई बेलन हो गया कुछ चीज़ें ऐसी होती है एशियन वाली जो इन यहाँ पर नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं एशियन स्टोर्स में जा सकते हैं अपनी जो भी आपको नॉनवेज लेना है या जो भी लेना है तो आप यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं अपनी ग्रॉसरी की चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं तो जो चीज़ें हमें बाहर नहीं मिलती है हम यहाँ से आके ले सकते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर यहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट चेन्स मिल जाएंगे तो ये एक मैंने बेसिक आइडिया दिया है जैसे इल्फोर्ड और हाईफोर्ड के बगल में जितने सारे रेस्टोरेंट चेंज हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं और ले सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके तो आज के लिए बस यही थैंक यू जी